इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 329 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सॉर्ट द स्टूडेंट्स बाय देयर केएथ स्कोर और इसकी कैटेगरी है मीडियम। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको कुछ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं। बेसिकली आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपकी रोज को क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, और आपके कॉलम्स का रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टूडेंट के उन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए थे। इन्होंने सब्जेक्ट देंगे क्या दिया, एग्जाम 0, एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3 और एस 0 के स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। उसके साथ इन्होंने एक के नंबर दिया है। आपको जो ये मैट्रिक्स दिया है इसके kth कॉलम के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है। बेसिकली जो ये 2D मैट्रिक्स है इसको आपको kth कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करके उस मैट्रिक्स को रिटर्न करना है। जैसे आपका ये था कि इन्होंने दिया 2 और ये वाला आपका मैट्रिक्स है, तो पहले क्या आना चाहिए स्टूडेंट 1, 7, 5, 11, 2। फिर क्या आना चाहिए आपका S0 आया आपका 10, 6, 9, 1। फिर आया आपका S2 4, 8, 3, 5। तो बेसिकली आपको एक 2D मैट्रिक्स को kth कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करके देना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। पहला तो क्या, हम जो सॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं उसमें क्योंकि हमें अब पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो हम खुद का एक कंपैरेटर फंक्शन लिख दें जिसमें हम kth कॉलम के बेसिस पे उसको सॉर्ट कर दें। या फिर इसकी अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, हम हीप का यूज़ कर लें। हम किसका यूज़ कर लें, मैक्स हीप का। बेसिकली हीप में हम क्या करें, ये जो हमारा kth कॉलम है इसको इंडेक्स के साथ मैप कर दें और उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दें। उससे क्या होगा, जो भी आपका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो किस पे आ जाएगा, आपका टॉप पे आ जाएगा। फिर हम क्या करें, प्रायोरिटी क्यू से वन बाय वन उसको पॉप करते जाएं और सेकंड में हमने क्या स्टोर कर रखा है, उसका इंडेक्स, तो उस वाले इंडेक्स को हम हमारे आंसर में पुश कर दें और लास्ट में हमारा आंसर रिटर्न कर दें। तो हम इन दोनों अप्रोचेज का कोड एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच में आपका क्या है, हम अपना खुद का कस्टम कंपैरेटर ऑपरेटर लिखेंगे। इसका तरीका क्या होता है, आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड जो सॉर्ट फंक्शन होता है उसमें आपको क्या देना होता है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर करना है, बिगिन और जो आपका मैट्रिक्स है वो, एंड जो आपका मैट्रिक्स है वो, कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक का पोर्शन हमें सॉर्ट करना है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है ये होता है आपका कंपैरेटर फंक्शन, जो आप अपना कस्टम कंपैरेटर फंक्शन स्पेसिफाई करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया है। इसमें क्या जाते हैं, आपके दो ऑब्जेक्ट्स जाते हैं, हम क्या पास करेंगे इनमें वैक्टर। स्कोर 2D है हमारा तो हम एक एक वैक्टर पास करेंगे, बेसिकली दो स्टूडेंट्स के मार्क्स पास करेंगे। और सॉर्ट किस बेसिस पर करना है, हमें उनके kth मार्क्स के बेसिस पर सॉर्ट करना है। तो हम क्या लिख देंगे, रिटर्न S1 के ग्रेटर देन S2 के, कि kth में जिसका बड़ा हो उसको पहले रख दो, जिसका भी kth कॉलम का मार्क्स बड़ा हो उसको पहले रख दो, उस बेसिस पर हम सॉर्ट कर सकते हैं। और सेकेंड अप्रोच में हमने यूज़ किया क्या है, प्रायोरिटी क्यू का। बेसिकली हमने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई पेयर। पेयर में हमने क्यों किया, पहला जो आपका इंटीजर होगा वो क्या होगा, आपका kth कॉलम का मार्क्स, कि स्टूडेंट का जिस मार्क्स पर हमें उसको सॉर्ट करना है। और सेकंड में हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स मैपिंग। बेसिकली टॉप पर जब हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट आ जाएगा तो हम उसका इंडेक्स देखेंगे कि वो कौन सा स्टूडेंट है और फिर उसको हम हमारे आंसर में कॉपी कर देंगे। तो इसलिए हमने एक प्रायोरिटी क्यू लिया पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट की। फिर हमने क्या किया, जो हमारा स्कोर मैट्रिक्स था उसकी रोज के लिए लूप चलाया और क्या किया, उसका हाइएस्ट स्टूडेंट का kth कॉलम का मार्क्स और हाइएस्ट इंडेक्स, बेसिकली कौन से स्टूडेंट का वो मार्क्स है, वो हमने प्रायोरिटी क्यू में उसको पुश कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हमारा मैक्स हीप रेडी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमें टॉप को पॉप करना है और उस पर जो भी स्टूडेंट था उसको हमारे आंसर में कॉपी करना है। तो इसके लिए हमने एक वैक्टर ले लिया, 2D वैक्टर आंसर ले लिया, हम टॉप को पॉप करते गए और सेकेंड में हमारा क्या था, वो स्टूडेंट का इंडेक्स, बेसिकली कौन से स्टूडेंट के वो मार्क्स हैं, तो हमने वो इंडेक्स में स्टोर करा लिया। और फिर लास्ट में हमने क्या किया, हमारे आंसर में उस स्कोर जो भी वो रो थी जिस स्टूडेंट को वो रिप्रेजेंट करती थी उसके हमने मार्क्स हमारे आंसर में पुश कर दिए और लास्ट में हमने आंसर रिटर्न कर दिया। तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम क्या कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं, कितने साइज़ की बनेगी, जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज होगी, मैं उसको मान लेता हूँ एम, कि हमारी एम रोज है। तो एम और प्रायोरिटी क्यू के एक ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी होती है, लॉग ऑफ जो भी उसका साइज बनेगा, तो एम लॉग एम, हमारे इसकी ऑपरेशन तो आई एम लॉग एम। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रायोरिटी क्यू के टॉप एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं और आंसर को रिजल्ट में पुश कर रहे हैं। तो पॉपिंग ऑपरेशन की कॉस्ट क्या आएगी, फिर से वही आपकी एम लॉग एम, लेकिन जो ये हम कॉपी कर रहे हैं आंसर डॉट पुशबैक स्कोर इंडेक्स, बेसिकली इसमें आपका क्या होगा, एरे कॉपी होगा। तो हमारा जितना भी ये इनपुट साइज होगा, मैं इसको मान लेता हूँ एम इंटू एन का, तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, एम इंटू एन। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एम इंटू एन। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो ये हमारे आंसर की होगी कितनी, एम इंटू एन,
और हमारी ये प्रायोरिटी क्यू की कितनी होगी हमारी ओ ऑफ एम, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी एम इंटू एन। थैंक यू गाइस।